अगर इनसे ये काम नहीं हो पाता है, टाइम से नहीं आ सकती हैं, इन्हें रेजिग्नेशन देकर कहीं घर में जाकर हाउस वाइफ बनना चाहिए। मेरा एक चाचा जो है वो पीओ है, दूसरा मेरा चाचा जो है इंस्पेक्टर है, उनसे मैं मरवाऊंगी तेरे को आके। ये गुंडागर्दी है इसकी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीलदार की गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीलदार की गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देखा दैनिक स्टेट समाचार, मैं गुलशन संग्राल में सब बड़ी बड़ा तहसीलदार ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जहां पर विजय पत्ती कार्यकर्ता द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जानकारी लेते हैं कि किस तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट आज तहसीलदार मैडम के खिलाफ है। जो मैडम का आने का टाइमिंग है वो सही नहीं है। मैडम अभी आप देखिए कि टाइम हो गया है आपका 10:18, अभी तक मैडम नहीं आई है। जिस बंदे को नीड होगी, जरूरत होगी मैडम के पास आने के लिए, वो बंदा क्या करेगा? जो बंदा इतनी दूर से आएगा क्या करेगा? मैडम का वेट करेगा? इनका टाइमिंग अलग है क्या? गवर्नमेंट का जो टाइम शेड्यूल बनाया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आते हैं ये मैडम? इनको आना चाहिए, जैसे और ऑल स्टाफ आ रहा है इनको भी यहाँ पे आना चाहिए। ऐसी मनमानी हम यहाँ पे नहीं चलने देंगे भाई। हमारे साथ बीजेपी के और भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, क्या परेशानी है? बात ऐसे है कि ये जो तहसीलदार है, मैं क्षमा चाहता हूँ बड़ी रामना तहसील के लोगों से कि इसके खिलाफ हमें बहुत देर पहले बोलना चाहिए था। 1.5 साल से अपनी मनमानी करना और लोगों को हरास करना, छोटे बच्चों के छोटे छोटे काम होते हैं जिनसे उनको एडमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, छोटे काम होते हैं, लेकिन अगर टाइम पे आ जाए तो शायद बच्चों का भविष्य बन सके। जिन बच्चों की खातिर ये सारी तहसील ऑफिस जो खोले गए हैं, भारत का भविष्य जो है, उन बच्चों को अगर सही टाइम से अगर काम नहीं होगा तो ये कैसे देश बढ़ेगा आगे? और दूसरा नंबर, एक जीते हुए काउंसलर को या पार्षद को अंदर करवाने का हक इस मैडम को किसने दे दिया? जो तहसीलदार है अपने हद में रहना चाहिए, और उसने ऐसा किया है कि पूरे बड़ी रामना जहां पे हताश हो चुकी है कि एक पार्षद को अगर अंदर करवा सकती है बिना किसी कारण के। अगर कोई कंप्लेन थी तो किसी और के नाम से थी, ना कि किसी पार्षद ने की थी। उनको घर से बुलाना और फिर हरास करना, गाली गलोच करना, ये इस कुर्सी की मर्यादा नहीं है। अगर इनसे ये काम नहीं हो पाता है, ये टाइम से नहीं आ सकती हैं, इन्हें रेजिग्नेशन देकर कहीं घर में जाकर हाउस वाइफ बनना चाहिए। अगर ये इनसे बर्डन बहुत ज्यादा है काम का, माना कि ये काम नहीं कर पा रही हैं, तो इन्हें कहीं और चले जाना चाहिए, ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए जहां पे पब्लिक का काम होना चाहिए। पब्लिक इसलिए यहां पर आती है। दूसरा नंबर, पार्षद को अगर इन्होंने अंदर करवाना था, उसको घर से बुलाकर अंदर करवाया, के कारण क्या है? उसके कारण बताएं ना कि पार्षद को क्यों अंदर करवाया गया? एक पार्षद भाजपा का जीता हुआ 3 नंबर वार्ड से, उसको ये अंदर करवा देती हैं किस लिए? कोई कारण बताएं। ये दूसरा नंबर, ये मानहानि का दावा जो करने वाला है हमारा पार्षद करेगा, जिसकी यहाँ पे इन्होंने बेइज्जती की है, उसको गाली गलौज, टांगे तोड़ दूंगी, थप्पड़ मारूंगी, ये कोई भाषा जो इस्तेमाल करने वाली थी ये नहीं थी, ये भाषा इस्तेमाल की गई, और आज ये एक मानहानि का दावा करने की सोच रहे हैं। ये मानहानि का दावा हमारा पार्षद करेगा। आज जो हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जीता हुआ है, ये मजाक नहीं है। भाजपा का पार्षद जीता हुआ है, लोगों ने उसे मैंडेट दिया हुआ है, वो लोगों के काम लेकर यहाँ पर आता है और ना कि अपना पर्सनल काम लेकर। अगर आज को किसी काम के लिए इन्होंने बुलाया उसे, उसे हरास करने के बाद अगर स्टेशन में पहुंचाया, उसका कारण बताएं जाकर, और अब तक क्यों नहीं आई है उसका कारण भी हमें जानना चाहिए। आप इनकी चेयर देखें जाकर, बताइए क्या मसला जो प्रोटेस्ट किया हमने? आज का जो प्रोटेस्ट है हमने इस तहसीलदार मैडम के विरोध में किया है कि मैडम जो है कभी टाइम से नहीं आती है, कभी फाइलें खोल के नहीं देखती है। मेरा केस जो है, मैं कहता हूँ मैडम, मेरे को अखबार आज अमर उजाला जो आप पढ़ ले हो, उसमें क्लियर लिखा है मैडम कहती है मानहानि का मुकदमा करेगी। मैं कहता हूँ करे मैडम, कोर्ट में बात करूंगा, लेकिन मानहानि का मुकदमा मैडम नहीं, मैं करूंगा। मैं एक पार्षद हूँ, मेरे को बिना किसी कारण, मेरे कोई बिना किसी गलती के कारण, मेरे को सरेआम अखबार में कहा जाता है कि मैं रिटर्न में दूँ और इनसे माफ़ी मांगू। किस बात की माफ़ी मांगू? मैं माफ़ी जरूर मांगूंगा, पहले मेरे पे आरोप लगाए जाएं मेरा दोष क्या है, और उसके बाद मैं माफ़ी भी मांगूंगा, जो भी सजा देगी कोर्ट में वही भुगतूंगा। लेकिन बदतमीजी जो मैडम ने मेरे साथ की है, उसने कहा कि पिछले साल भी आप सभी पार्षदों ने मिलके, DTC मेंबर ने मिलके मेरे खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा था। मेरा एक चाचा जो है वो पीओ है, दूसरा मेरा चाचा जो है इंस्पेक्टर है, उनसे मैं मरवाऊंगी तेरे को आके। ये गुंडागर्दी है इसकी, ये सारे आप उसे कहा मैं तेरे को जूते से मारूंगी, इस चेयर पे बैठ के कहा है उसने, और इसके बाद इसने मेरे को ये कहा है अगर तू मेरे को वैसे ऑफिस में दोबारा मिल गया तो मैं तेरे को पुलिस में अरेस्ट करा दूंगी। ये ऑफिस किस लिए खोला है? हम लोगों के काम नहीं कराएंगे? ये किस लिए तहसीलदार यहाँ बिठाया है? ये गुंडागर्दी के लिए बिठाया है? कहती है मैडम
मेरी जो पोस्टिंग जहां हुई है चीफ सेक्रेटरी ने की है, मेरे को कोई माइक का लाल नहीं हिला सकता और पवन बख्शी हिला के दिखाएगा, मैं ये दावे से कहता हूँ। मैंने नहीं डाली ग्रीवियंस सेल, जिसने डाली उसे पूछे। जो भी ग्रीवियंस डालेगा एक्चुअली इनका ऑफिसरों का क्या है, अफसरशाही है, तानाशाही चल रही है। जो इनका ये है कि कोई भी आदमी इनके खिलाफ कंप्लेन ना करे, चाहे दिन में दो बजे आए, रात को आए ना आए, दो दो हफ्ता ऑफिस में ना आए। अगर इनको इतना ही काम है तो ऑफिस छोड़ देना, कहीं और जगह अपनी ज्वाइनिंग करवा लें। जनता का काम है, जनता आप देख सकते हो 12 बज गए हैं, ऑफिस अभी तक खाली पड़ा है, कोई भी ऑफिस में चेयरमैन नहीं बैठा है, तो जनता त्रस्त रहेगी, हम तमाशा देखेंगे। और ये हमें घर से बुला के और हमें धमकियां देंगे और उसके बाद कहेंगे मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो आपने देखा आज बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा तहसीलदार ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया गया और चलते चलते वो अंदर भी प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कॉरपोरेटर पवन बख्शी, जिन पर यहाँ पर आरोप लगे थे किसी जमीनी विवाद को लेकर, उन्होंने यहाँ पर आज प्रोटेस्ट किया तहसीलदार मैडम के खिलाफ। और ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।